बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवर टुडेज टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन एनिमल एंड नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। ये दो टॉपिक्स जो हैं आज हम कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो एक्सक्रीशन वाला टॉपिक हमारे लास्ट लेक्चर से ही स्टार्ट हुआ हुआ है। हमने प्लांट्स में एक्सक्रीशन पढ़ ली थी, अब हम लोग एनिमल में एक्सक्रीशन जो है वो पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एनिमल्स हैव फॉलोइंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वाटर, वाटर जो है वो कौन से वाले एनिमल्स एक्सक्रीट करेंगे? फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स। आपको पता है जो फ्रेश वाटर में एनिमल रहते हैं उनको कॉन्स्टेंटली वाटर की फ्लडिंग का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वाटर का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से जो फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होगा? वाटर। वाटर ड्यू टू इट्स रिमूवल इन हाइपोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट्स इज टर्म्ड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन दीज कंडीशन। हाइपोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स को ही फेस करनी पड़ती हैं, यानी वही हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। आपने हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट पढ़ा था ना, तो फ्रेश वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो कौन से इन्वायरमेंट में होते हैं? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में होते हैं। तो उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा? वाटर। नेक्स्ट आ जाता है सॉल्ट्स। जो एनिमल्स हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहेंगे उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या होगा? सॉल्ट्स, ठीक है। यानी मेरीन में रहने वाले, आपने देखा था मेरीन में रहने वाला, आपने पढ़ा था कि फिशेज़ किस तरह से अपनी बॉडी से साल्ट को निकालती हैं, या तो उनके पास गिल्स होते हैं जिसकी मदद से निकालती हैं, या कोई और स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसा कि रेक्टल ग्लैंड। तो जो मेरीन में रहने वाले एनिमल्स हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? साल्ट होगा, ठीक है। तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट्स जो हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? साल्ट्स। लेकिन ये थर्ड हमारा है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो मेनली वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो कौन से होंगे? नाइट्रोजनस नेचर के होंगे। मतलब प्लांट्स के अंदर आपको पता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाई जाती है, एनिमल्स में, सॉरी एनिमल्स का हम पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो प्रोटीन्स जो है वो कन्वर्ट होती हैं अमाइनो एसिड्स में, और फिर उनके जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स होंगे वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? नाइट्रोजन में। तो मेनली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं एनिमल्स के वो कौन से होंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबोलाइट्स कॉन्स्टिट्यूट फॉर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इन कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स द अमाइनो ग्रुप इज रिलीज एंड ट्रांसफर टू अनदर मालिक्यूल फॉर रिमूवल और रीयूज। अमाइनो ग्रुप जो है वो रिलीज होता है अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म के नतीजे में और ट्रांसफर हो जाता है किसी और फॉर्म में। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अमाइनो ग्रुप विच आर नॉट यूज फॉर रिसाइकलिंग इन अमाइनो एसिड्स आर डिजॉल्व इन वाटर। जो अमाइनो ग्रुप रिसाइकलिंग में इस्तेमाल नहीं होता या किसी और मकसद के लिए रीयूज़ नहीं होता वो क्या हो जाता है? पानी में डिजॉल्व हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो पानी में डिजॉल्व हो जाए, कंसनट्रेटेड हो जाए वो वहाँ पे प्लाज्मा में, ठीक है, बॉडी के मतलब प्लाज्मा में, तो क्या होगा? टॉक्सिक होगा। और इसके नतीजे में बिकॉज ऑफ द एलिवेटेड लेवल ऑफ दीज वेस्ट कौन से होंगे? अमाइनो एसिड के जो कैटाबॉलिज्म के नतीजे में वेस्ट बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो वाले वेस्ट जो होंगे वो क्या करेंगे? कन्वलियंस, मतलब दौरे पड़ने वाली कैफियत, कोमा एंड इवेंचुअली डेथ, इतनी खतरनाक सिचुएशन जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मेनली वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के कौन से होंगे? नाइट्रोजनस नेचर के होंगे। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस नाइट्रोजन हो जाए तो बॉडी उसको किस फॉर्म में एक्सक्रीट करती है? एक्सेस नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स इन अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। एनिमल्स जो हैं एक्सेस अमाउंट वाली नाइट्रोजन है उसको अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड की फॉर्म में जो है वो रिलीज करते हैं। अगर लोअर क्वांटिटी में हो नाइट्रोजन बॉडी में प्रेजेंट, तो लोअर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड सच एज क्रिएटिनिन और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। अब ये तीन जो हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीनों जो हैं अगर नाइट्रोजन बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से निकाली जाएगी। अगर लोअर क्वांटिटीज़ में हो तो क्रिएटिन और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड की फॉर्म में होगी। और अगर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ हो जाए नाइट्रोजन की तो वो एक्सक्रीट ही जाती हैं अमाइनो एसिड्स, प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स की फॉर्म में, ठीक है। प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करता है। अगर बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में नाइट्रोजन हो तो वो प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स की फॉर्म में एक्सक्रीट की जाती हैं। प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रोड्यूस करता है सिग्निफिकेंट अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, जिसमें आ जाएंगे हाइपोजेंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड, एलेंटॉइन, यूरिया, अमोनिया, ठीक है। ये सारे जो हैं प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में। हमारा आज का जो सेकेंड टॉपिक है वो है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स।
डिफरेंट हैबिटेट्स हैव डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये तो हमें पता है। मुख्तलिफ हैबिटेट में, जैसे आपने पीछे वाले में पढ़ा कि वाटर में रहने वाले जो हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मोस्टली वाटर होगा एनिमल्स, क्योंकि उनकी बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में दाखिल होगा, जिसकी वजह से उनको पानी निकालना पड़ेगा ज़्यादा। और साल्ट में, साल्टी इन्वायरमेंट में रहने वाले, मेरीन इन्वायरमेंट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट साल्ट होंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में साल्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में जा रहे होंगे, और उनको अपना ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए साल्ट जो है उसको अपनी बॉडी से निकालना पड़ेगा। तो पहला वाला जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हम पढ़ रहे हैं वो है अमोनिया। इट इज़ वेरी टॉक्सिक एंड डिजॉल्व्स क्विकली इन बॉडी फ्लूइड, सो इट मस्ट बी केप्ट इन लो कंसंट्रेशंस फॉर द रिमूवल ऑफ अमोनिया। अमोनिया बहुत टॉक्सिक जो है होता है, अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा जहर का काम करता है, बहुत जहरीला होता है, तो इसलिए उसका रिमूवल जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अमोनिया के रिमूवल के लिए पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। फॉर रिमूवल ऑफ अमोनिया लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, सो अमोनिया मस्ट बी केप्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स इनहेबिटिंग हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो अमोनिया सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म रिलीज कर सकते हैं, वही एनिमल रिलीज कर सकते हैं या एक्सक्रीट कर सकते हैं जो कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसा कि फ्रेश वाटर में रहने वाले। 500 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन, मतलब 1 ग्राम नाइट्रोजन जो कि अमोनिया की शक्ल में होगी, अमोनिया की शक्ल में 1 ग्राम नाइट्रोजन को निकालने के लिए 500 ml पानी की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया। अगर पानी की कमी हो, इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर अमाउंट, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर अमोनिया कैन नॉट बी केप्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया। अगर पानी की कमी हो, अगर पानी ज़्यादा ज़्यादा हो जैसा कि फ्रेश वाटर में होता है, तो फिर अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो वर्क कर सकता है। लेकिन अगर पानी की कमी हो तो फिर यूरिया जो है उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है अमोनिया को। अमोनिया को पहले ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट किया जाता है, यूरिया में, और फिर यूरिया को बॉडी से निकाला जाता है। और ऐसा किस में होता है, पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, आपको पता है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स में, खुश्की वाले जो इलाके होते हैं उनमें। यूरिया रिक्वायर्स 50 ml ऑफ वाटर फॉर 1 ग्राम नाइट्रोजन रिमूवल। यूरिया की फॉर्म में जो नाइट्रोजन होगी उसकी 1 ग्राम के रिमूवल के लिए, यानी 1 ग्राम यूरिया नाइट्रोजन के रिमूवल के लिए 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है। अमोनिया आपने पढ़ा था, उसके 1 ग्राम नाइट्रोजन के रिमूवल के लिए 500 ml वाटर की ज़रूरत होती है। अच्छा, यूरिया जो है, अमोनिया जो है उसको कैसे यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, इसके लिए हम यूरिया साइकिल पढ़ने लगे हैं। यूरिया साइकिल आपकी बुक में जो है वो ड्रा किया हुआ है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, आपने इसी तरह से ये यूरिया साइकिल के पॉइंट्स कर लेने हैं। यूरिया साइकिल में क्या होता है, 1 अमोनिया मॉलिक्यूल कंबाइंस विद 1 कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑलरेडी अवेलेबल प्रिकर्सर ऑफ यूरिया साइकिल, प्रीवियस यूरिया साइकिल ऑर्निथिन। तो ये तीन चीज़ें मिल रही हैं, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्निथिन, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, सिट्रोलिन। ये फर्स्ट स्टेप है यूरिया साइकिल का। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, एन अदर अमोनिया मालिक्यूल कम्बाइन विद सिट्रोलिन टू फॉर्म ऑर्जेनिन। सेकेंड जो है पॉइंट उसमें ये होगा कि सिट्रोलिन के साथ एक और अमोनिया का मालिक्यूल मिलेगा। एक अमोनिया का मालिक्यूल पहले कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्निथिन के साथ मिलकर सिट्रोलिन बना रहा है, अब एक और अमोनिया का मालिक्यूल सिट्रोलिन के साथ मिलेगा तो आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप जो है उसमें क्या हो रहा है, आर्जिनिन जो है उसका ब्रेक डाउन होगा आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और यूरिया बनेगा और प्रीकर्सर ऑर्निथिन मालिक्यूल जो है वो बन जाएगा। आर्जिनिन का ब्रेक डाउन हो रहा है आर्जिनेज की प्रेजेंस में, वो यूरिया में और ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखें ज़रा, ऑर्निथिन अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके सिट्रोलिन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप है अमोनिया साइकिल का। अब सिट्रोलिन जो है वो आर्जिनो सिट्रोलिन एक और अमाइनो एसिड के साथ मिलता है, ये अमाइनो एसिड भी इस साइकिल में ऐड होगा आर्जिनो सक्सिनेट और फिर आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है। ये सेकंड स्टेप है इस वाले साइकिल का, यूरिया साइकिल का। और थर्ड स्टेप में आर्जिनिन की ब्रेक डाउन होती है आर्जिनेज की प्रेजेंस में, और एक तो वो यूरिया बनाएगा और दूसरा मालिक्यूल ऑर्निथिन बनाएगा। ठीक है, तो ये सारा साइकिल जो है यूरिया साइकिल, ये आपकी बुक में बना होगा। जो थर्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये सेकेंड वाला था, यूरिया साइकिल हमने बनाया क्योंकि अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है। अमोनिया आपको पता है उसके रिमूवल के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अमोनिया फ्रेश वाटर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले एनिमल हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिया होगा, क्योंकि उन के पास ज़्यादा पानी की अमाउंट नहीं होती, इस वजह से वो अमोनिया को किस में कन्वर्ट करेंगे, यूरिया में, और इस तरीके से अमोनिया को वो यूरिया में कन्वर्ट करेंगे, फिर यूरिया को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करेंगे, क्योंकि यूरिया के रिमूवल के लिए 50 ml वाटर की चाहिए होता है 1 ग्राम नाइट्रोजन के रिमूवल के लिए।
जो नेक्स्ट हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है यूरिक एसिड। एनिमल्स इनहेबिटिंग एनवायरनमेंट विद अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब ऐसी जगह पर रहने वाले एनिमल्स जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, बहुत ज़्यादा कमी होगी, यानी वो 50 ml वाटर भी नहीं लगा सकते अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए, तो उनमें मज़ीद जो है उसको उसकी लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि यूरिक एसिड है। रिक्वायर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स विच कैन बी एक्सक्रीटेड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। ओनली 1 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ 1 g ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। अब क्या है कि ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज में रहते हैं, उनको उनमें जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, यूरिया की भी बजाय अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ताकि सिर्फ 1 ml पानी जो है वो चाहिए होता है यूरिक एसिड के रिमूवल के लिए। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में क्या आ जाएगा, यूरिक एसिड कौन से एनिमल्स रिलीज़ करते हैं, रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो हैं वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है, रिलीज़ भी हम नहीं कह सकते, एक्सक्रीट करेंगे अपनी बॉडी से। ठीक है, अब ये मैंने एक चार्ट सा बनाया हुआ है, ये आपकी बुक में नहीं है, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं यहाँ से देख के। नेम ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 1 g नाइट्रोजन, 1 g नाइट्रोजन के रिमूवल के लिए कितना पानी चाहिए, अमोनिया की 1 g नाइट्रोजन के रिमूवल के लिए 500 ml पानी चाहिए, यूरिया की 1 g नाइट्रोजन के रिमूवल के लिए 50 ml पानी चाहिए, और यूरिक एसिड की 1 g नाइट्रोजन के रिमूवल के लिए 1 ml वाटर चाहिए, सिर्फ 1 ml। ठीक है, तो ये डिफरेंस देख लें, अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है फ्रेश वाटर एनिमल्स का, यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का, और यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है बर्ड्स और रेप्टाइल्स का। ठीक है, अब है डिवीजन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एनिमल को 3 टाइप्स में डिवाइड की, एनिमल की 3 कैटेगरीज हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बुनियाद पे, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक वो एनिमल्स हैं, एनिमल्स एक्सक्रीटिंग अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटेलिक, फॉर एग्जाम्पल फ्रेश वाटर एनिमल्स। यहाँ पे भी आपने पढ़ा है फ्रेश वाटर जो एनिमल है वो अमोनिया रिलीज कर एक्सक्रीट करते हैं, तो अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले जो एनिमल्स हैं वो अमोनोटेलिक कहलाते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करने वाले जो हैं वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं, और वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होंगे उसकी एग्जाम्पल में। यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले जो एनिमल्स हैं वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल्स उसकी एग्जाम्पल्स में आते हैं। ठीक है, तो इतना ही आज का हमारा लेक्चर था, मैं अब आपको बुक से दिखाऊंगी कि आप लोगों ने कितना करना है। आपकी बुक में ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाले 2 पॉइंट हमने किए हैं, एक एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ये वाला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पैराग्राफ भी आपने किया है, और ये देखें ज़रा स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो रही हैं अमाइनो एसिड में, न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजनस बेसिस में, और ये दोनों जो हैं अमाइनो ग्रुप्स रिलीज़ करती हैं। अमाइनो ग्रुप्स जो है वो जाके मज़ीद यूज़ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वो किस फॉर्म में जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट किया जा रहा है, ये फिश बनाई हुई है, ये फ्रेश वाटर में रहने वाला एनिमल है, ये अमोनिया रिलीज़ करेगा, ये मैमल्स हैं जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं ये यूरिया रिलीज़ करेंगे, और ये बर्ड्स या रेप्टाइल्स आपने पढ़ा है कि वो क्या रिलीज़ करेंगे, यूरिक एसिड रिलीज़ करेंगे, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे। फ्रेश वाटर में रहने वाले अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, टेरेस्ट्रियल जो हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे, और ये वाले जो हैं बर्ड्स वो क्या करेंगे, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे। इसके बाद आपने पढ़ा नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट्स, ये फर्स्ट पैराग्राफ इसमें अमोनिया का बताया हुआ है, फिर उसमें ये सेकंड पैराग्राफ है इसमें यूरिया का बताया हुआ है, और ये यूरिया साइकिल ड्रा किया हुआ है जो मैंने आपकी बुक में, ये सिर्फ आपने यूरिया साइकिल की फिगर ड्रा नहीं करनी, मैंने आपको यूरिया साइकिल बना के दिखाया है आपके नोट्स में, आपने वो वहाँ से 3 पॉइंट्स लिखने हैं पहले, फिर ये फिगर ड्रा करनी है, आपको यूरिया साइकिल का क्वेश्चन आ सकता है कम्प्लीट। ठीक है, ये यूरिक एसिड है, ये यूरिक एसिड वाले हैं, और ये 3 टाइप के अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, ये 3 टाइप के एनिमल्स के ग्रुप्स हैं। ठीक है, अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले, यूरिया एक्सक्रीट करने वाले, और यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले, यहाँ तक जो है ये हमारा आज का काम है, इतना ज़्यादा नहीं है, आप लोगों ने इसको देख लेंगे यहाँ से, मैक्सिमम जो है वो एक ही पेज दोनों साइड से कवर हो रहा है। ठीक है, आप इसको उम्मीद है कि समझ लेंगे, लेसन जो है वो आज का इतना ज़्यादा भी नहीं है और ईजी भी है, तो उम्मीद है कि आप इसको तैयार करेंगे। ठीक है।